नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंडी महादेव मंदिर आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। मान्यता है कि वर्ष 1928 में एक दिन एक लकड़हारा यहां पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराई जिससे खून की धारा बहने लगी। इसके बाद वह लकड़हारा जितनी बार उस शिवलिंग को ऊपर लाने की कोशिश करता, वो उतना ही नीचे धंसता चला जाता। लकड़हारे ने भागकर ये घटना अन्य लोगों को बताई। इसी बीच वहां के जमींदार गब्बू दास को रात में भगवान भोलेनाथ का सपना आया कि झारखंडी में भोले प्रकट हुए हैं। इसके बाद जमींदार और स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर शिवलिंग को जमीन से ऊपर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। तब शिवलिंग पर दूध का अभिषेक किया जाने लगा। वहां पर पूजा पाठ शुरू हुआ जो निरंतर जारी है। झारखंडी महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी शंभू गिरी गोस्वामी ने बताया कि शिवलिंग पर आज भी कुल्हाड़ी के निशान मौजूद हैं। मुख्य पुजारी के मुताबिक जंगल होने के कारण ये स्वयंभू शिवलिंग है, हमेशा पत्थों से ढका रहता है, इसीलिए मंदिर का नाम भी महादेव झारखंडी पड़ा है। वहीं दोस्तों, शिवलिंग के बगल में ही एक विशालकाय पीपल का पेड़ भी है। ये पेड़ 5 पौधों को मिलाकर एक बना है। इस पीपल की जड़ के पास शेषनाग की आकृति बनी हुई है और यह आकृति भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। वहीं दोस्तों, झारखंडी महादेव मंदिर में शिवलिंग खुले आसमान में है। कई बार शिवलिंग के ऊपर छत डालने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी कारण वह पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद शिवलिंग को खुले में ही छोड़ दिया गया और उसके ऊपर पीपल के पेड़ की छांव ही रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।